हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन रुद्रिका क्लासेस। आज का हमारा सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। यानी आज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानेंगे कि उसका केमिकल नेम क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका केमिकल नेम की तरफ चलते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका जो नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हेमी हाइड्रेट मतलब ये होगा कि इसमें कुछ ना कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। हेमी मीन्स होता है हाफ, ठीक है ना। ऐसे डाई मीन्स टू होता है, ट्राई मीन्स थ्री होता है, वैसे हेमी मीन्स क्या होता है, हाफ होता है। तो अब हमारा फॉर्मूला इसमें क्या, देखो कैल्शियम सल्फेट तो बहुत ईजी है, CaSO4, यही कैल्शियम सल्फेट होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हाइड्रेटेड सॉल्ट है तो यहाँ पे हम हेमी का मतलब होता है हाफ, यानी हाफ H2O, ठीक है, इस तरह लगा सकते हैं। एक इसका फॉर्मूला और होता है, आप उसको भी समझ सकते हैं, वो होता है 2CaSO4.H2O, ठीक है ना। यहाँ पे आपने इसको डबल किया तो ये अपने आप 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो TSO2CaSO4.H2O। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों ही सही हैं। हम कहते क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, ठीक है ना। और ये किस टाइप का सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, यानी अ टाइप ऑफ सॉल्ट विच हैज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर नंबर यहाँ पे और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन जनरली कैसे होता है, यदि हम कैल्शियम सल्फेट को कैल्शियम सल्फेट जो जिप्सम होता है, ठीक है ना, यदि हम उसको हीट करें, ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको हमें समझना है। CaSO4 ये आपका कैल्शियम सल्फेट हो गया, इसमें कितना वाटर होता है, 2H2O होता है, ठीक, CaSO4.2H2O। इसको आप हीट कर रहे हो ना, इसको हमें हीट करना होगा। एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, हीट टू 100 डिग्री सेल्सियस ओनली, ठीक है ना, या 373 केल्विन, हमें इससे ज़्यादा इसको हीट नहीं करना होता। ये इसमें सबसे खास बात है कि कैल्शियम सल्फेट को आप हीट कर रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो होगा क्या कि CaSO4.5H2O एक अलग सेपरेट होगा, और जो एक्स्ट्रा बचा है 1/2H2O ये एक अलग सेपरेट हो जाएगा, ठीक। तो हमें यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो वी शुड हीट द कैल्शियम सल्फेट टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक ही हीट करना। यदि आप ज़्यादा हीट कर दोगे तो क्या होगा, ये एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाएगा, इसका पूरा का पूरा जो 2H2O है पूरा रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये कैल्शियम सल्फेट केवल बचेगा, यानी बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म हो जाएगा वहाँ पे, वहाँ कोई भी उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या कहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना, इससे ज़्यादा हीट नहीं करना, तो CaSO4.5H2O बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या फॉर्म हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब क्योंकि इसकी प्रिपरेशन हो गई, इसके बाद यदि हम इसके प्रॉपर्टीज पे जाएं तो जनरली होता कैसा है, एक वाइट क्रिस्टल है, और मतलब पाउडर की तरह ये होता है, वाइट पाउडर की तरह होता है। और ये चीज़ है कि यदि हम इस जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको वाटर में मिक्स करें तो दोबारा ये हमें जिप्सम दे देता है, ठीक है ना। यदि हम इसको वाटर में, यानी इसको वाटर में ऐड कर दें, ठीक है ना, तो क्या होगा, जिप्सम फॉर्म होगा, जो कि आगे चल के सेट हो जाएगा एक हार्ड मास के तरीके, ठीक है ना। तो और इसीलिए इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस में हम क्या पढ़ते हैं कि जनरली जो हमारी बोन वगैरह फ्रैक्चर्ड हो जाती है तो हॉस्पिटल में प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज़ होता है, और पूरा एक वाइट मास से उसको पूरा कवर अप कर देते हैं, बहुत लाइट भी होता है, हल्का भी होता है, बहुत हार्ड होता है, जिससे हमारी जो बोन होती है वो करेक्ट हीलिंग तक सेटअप हो जाती है, अच्छे से सेट हो जाती है। तो हम वहाँ पे ब्लीच इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो यूज़ होता है जैसे लेबोरेटरी में, मान लीजिए कोई आपको ऐसा ऑपरेटर्स बनाना है जो एयर प्रूफ होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो बीच बीच में गैप्स है किसी ऑपरेटर्स में, या आपने ग्लास का बनाया है तो बीच में उन सभी गैप को फिल करने के लिए अच्छे से आप वहाँ पे यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट लगा देते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से एकदम एयर टाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो और भी कई अलग अलग यूजेज हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, जनरली टॉयज बनाने के लिए यूज़ होता है, डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल बनाने में यूज़ होता है, स्टैच्यू बनाने में
यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। तो अलग अलग इसके यूज़ होते हैं। ये जो चाक है ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें भी यूज़ होता है, ठीक है ना। तो आपने कौन सा सॉल्ट समझा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या केमिकल नेम है? केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। क्या फॉर्मूला है? CSO4.5H2O या 2CSO4.H2O, ठीक है ना। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? यदि आप जिप्सम को हीट करते हो, ये जो हमारा क्या है जिप्सम, इसको हीट करोगे, कहाँ तक हीट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 100 डिग्री सेल्सियस तक ही हीट करना है। क्यों करना है? क्योंकि ज़्यादा हीट कर दोगे तो जितना भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो सभी इवेपोरेट हो जाएगा, तो बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होगा, ठीक है, वो कैल्शियम सल्फेट फॉर्म होगा, तो वो सही नहीं है। आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे तो CSO4.5H2 बनेगा और 1.5H2 अलग सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से प्रिपरेशन हो गई। आपने प्रॉपर्टीज में क्या देखा कि ये एक व्हाइट पाउडर है। दूसरी प्रॉपर्टी आपने ये देखी कि यदि हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो आपको फिर से जिप्सम फॉर्म हो जाता है, ठीक है। यूजेस में आपने ये देखा कि ब्लीचिंग, जो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको स्टैचू बनाने में, टॉयज बनाने में, डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल बनाने में यूज होता है, ठीक है। यदि लेबोरेटरी के कोई आपको ऑपरेटस एयर टाइट बनाना है तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं, ठीक। तो अलग अलग जगह इसके यूजेस हैं और इन्हीं सभी हेडिंग के तहत इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक। ओके, थैंक यू।